नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं मानसी, आई नजर डालते हैं आज की ताजा गतिविधियों पर। कोहरा बना कोहराम, बढ़ती ठंड से ठिठुरे लोग। हथियारों के दम पर हुई एक घर में डकैती। घने कोहरे के चलते सब्जियों की फसल हुई बर्बाद, वहीं गेहूं की हुई बंपर पैदावार। 31वीं हरियाणा राज्य स्तरीय रोलर हॉकी स्केटिंग प्रतियोगिता का रहा तीसरा दिन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। और अब गतिविधियां विस्तार से। कोहरा बना कोहराम, बढ़ती ठंड से ठिठुरे लोग। धुंध के कारण कई ट्रेनें हुई लेट। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से निचले इलाकों का पारा भी लगातार गिरता जा रहा है, जिसके कारण बढ़ती ठंड और कोहरे का अटैक उत्तर भारत सहित सभी जगहों पर नजर आ रहा है। नए साल की शुरुआत ही कोहरे के साथ हुई और अब दिन ब दिन ये कोहरा आफत बनता जा रहा है। वहीं यमुनानगर में पारा न्यूनतम 3 डिग्री तक पहुंच गया, जिसने ठंड को और बढ़ा दिया। शहर में जहां कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं रेलवे स्टेशन पर कुछ गाड़ियां रद्द तो कुछ 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं, जिसके चलते रेलवे स्टेशन आने वाले यात्री खासे परेशान हैं। कोहरे के कोहराम और बढ़ती ठंड के बीच लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। जगह जगह पर लोग आग जलाकर हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कोहरे में विजिबिलिटी बिल्कुल ही ना होने के कारण शहर में रेल सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। धुंध के कारण 3 ट्रेन रद्द करनी पड़ी और कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट पहुंची। हम मेरठ और यहां आकर के पता लगा कि गाड़ी भी रद्द हो गई है, इसकी हमें पता नहीं था, इसलिए हम जो है ना यहां पे ठंड में यहां बाहर खड़े हैं। अनाउंसमेंट हो रही है कि 9:45 पे एक ट्रेन आएगी, उसका भी कोई भरोसा नहीं है किस टाइम आएगी। 3 गाड़ियों का रद्द का पता चला है और एक गाड़ी शालीमार थी, वो 3 घंटे लेट थी, वो चली निकल गई हमारे से, वो 8:08 चली गई थी यहाँ से। अब पता लग रहा है कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो है वो 6 घंटे लेट है, उसके इंतजार में। मेरा नाम विनोद शर्मा है जी, मैं जगाधरी का रहने वाला हूँ। हमने जी दिल्ली जाना था तो यहाँ आके पता लग रहा है जी गाड़ी रद्द है की, और उसके बाद मेरठ जो जाना था, बीच में सोचा हमने मेरठ चले जाएंगे, तो मेरठ की भी जो है गाड़ी जो है ना काफ़ी लेट है जी, और भारी कोहरे के कारण जो है ना ठंड के कारण यहाँ पे जो है ना बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। धुंध बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है तकरीबन जो है ना 5-6 मीटर तक ही दिखाई दे रहा है और कोहरा बहुत ज़्यादा है। कोहरे से जो है ठंड में जैसे दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ियाँ रद्द हैं तो लोग बाग ठिठुर रहे हैं, तो ये सब दिक्कतें हो रही हैं और यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हथियारों के दम पर हुई एक घर में डकैती। बुजुर्ग दंपत्ति को डरा धमका कर दिया वारदात को अंजाम। मामला देर रात करीब 3 बजे का है, जब 5 नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को हथियारों के दम पर बंधक बनाकर घर को अपना निशाना बनाया। नकाबपोश रसोई के ग्रिल को तोड़कर घर में दाखिल हुए। घर में घुसते ही बुजुर्ग दंपति को डराकर उनके हाथ बांध दिए और चेहरे पर कपड़ा डाल दिया। डकैतों ने एक एक करके घर का सारा कीमती सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डकैती की इस पूरी घटना के बारे में बताते हुए एमएल गुप्ता ने बताया कि वह रिटायर्ड प्रिंसिपल है और अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते हैं। उन्होंने बताया कि 5 नकाबपोशों ने आधा घंटा घर में चोरी कर 40 से 45 हज़ार कैश, 3-4 सोने की चूड़ियाँ, चांदी की मूर्तियाँ, नया मोबाइल, पहने हुए जेवर तक लेकर फरार हो गए। जैसे तैसे उन्होंने अपने हाथ खोले और आस पड़ोस को बताया और पुलिस को मामले की सूचना दी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जल्द ही इन लोगों को पकड़ा जाएगा और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मैं अनिल कुमार, DSP हेडक्वार्टर यमुनानगर। कोई सुबह 3:30 की जो उन्होंने बताया है, उस कंट्रोल रूम में तो फोन हमारा सुबह ही गया है, तो जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारे पुलिस ऑफिसर यहाँ पे पहुँचे, हम भी यहाँ पे आए हैं, हमारी सभी टीमें यहाँ पे आई हैं और उन्होंने भी बारीकी से यहाँ का इंस्पेक्शन किया है। तो इन्होंने 5 लोगों के बारे में बताया है, जो ज्वेलरी और कैश की बात इन्होंने बताई है, तो पुलिस उस पर पूरी जाँच कर रही है। वो जल्दी सलाखों के पीछे होंगे अपराधी। नुकसान अभी इन्होंने जो मोटा मोटी बताया है, कुछ ज्वेलरी इन्होंने अपने आप चूड़ी वगैरह जो हाथों में थी और वो कानों की जो बालियाँ हैं उन्होंने जो बताया है कि हथियार की नोक पेन से ले ली है, और कुछ कोई 20-25 हज़ार 40-45 का ये कैश इन्होंने ये बताया है। किचन में ग्रिल है, वहाँ से उन्होंने वो तोड़ करके सीधे अंदर आए। अंदर आकर के जैसे उनको पहले से ही पता था कि इस रूम में
जो अपने सीनियर सिटीजन है रिटायर प्रिंसिपल और उनके मिसेज भी रिटायर प्रिंसिपल हैं, वो 74 और 71 के ये हैं, ओल्ड हैं, तो इनको इनके पास वो सीधे आए और इन्होंने जो सामान के बारे में उन्होंने बोल दिया कि जो ऑर्नामेंट्स है ये हमारे हैंड ओवर कर दें, तो ऐसे वो थ्रेट करके इनसे सामान लेके गए। ML गुप्ता, ये 3:15 और 4:15 के बीच की घटना है, तकरीबन रफली आधा घंटा, और 5 लोग थे, एक के पास तेज धरी का चाकू था बहुत बड़ा, और बाकी 4 के पास कट्टा टाइप था, तो हमारे हाथ बांध दिए थे, मुंह ढक दिया था, और हमसे जो कुछ था वो ले लिया, फिर चाबी मांगने लगे लमारी की, चाबी हमने उनको बता दी, चाबी निकाल के उसमें से कैश ले गए, तकरीबन 40,000 के करीब था है कैश का, 40-45 के बीच में, बाकी ये 3-4 चूड़ियाँ हैं कान और हाथ के, तो एक मोबाइल है नया अभी लिया था 5-4 दिन पहले सैमसंग का, वो भी ले गया एक दूसरा, दोनों भी ढके हुए थे, हमारे भी ढक दिए थे उन्होंने हाथ में, हमारे चांदी के गए, और चांदी के सिक्के पड़े थे कुछ, दिवाली के दिन पूजा करते हैं, और 3 मूर्तियाँ थी शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती और लक्ष्मी की, वो भी ले गए। घने कोहरे के चलते सब्जियों की फसल हुई बर्बाद, वहीं गेहूं की हुई बंपर पैदावार। बढ़ते कोहरे के कारण सब्जियां उगाने वाले किसान हुए परेशान। इन दिनों घना कोहरा सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए ही मुसीबत बनकर नहीं आता, बल्कि उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आता है जो लोग हमारे खाने के लिए सब्जी को उगाते हैं। दरअसल इस सीजन में किसान हरी सब्जी उगाते हैं, लेकिन इन सब्जियों पर मार अगर पड़ती है तो वह कोहरे और पाले की। बढ़ते कोहरे के कारण किसानों के खेतों में उगने वाली सब्जियां पैदा होने से पहले ही कोहरे की भेंट चढ़ जाती हैं, और ऐसे में सिर्फ एक गेहूं की फसल ही है जो कोहरे में बंपर पैदावार के चलते किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। ऐसे में जिन किसानों के खेतों में गेहूं की फसल को उगाया जा रहा है, वह किसान तो इस कोहरे को देखते ही बाग बाग हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान इन दिनों सब्जी की पैदावार करते हैं, लेकिन इन सब्जियों को पैदा होने से पहले ही यह फसलें कोहरे की भेंट चढ़ गई, और ऐसे में धनिया, गोभी, पालक, आलू और प्याज की पौध को ही कोहरे ने नष्ट कर दिया, जिसे देख किसान अपने आप को दोषी करार दे रहे हैं, और उनका तो यह भी कहना है कि कोहरे से ज़्यादा उन्हें उनकी किस्मत की मार पड़ रही है। हालांकि कोहरा अभी और भी पड़ने की संभावना है, जिसके चलते किसान भी अब उन्हीं फसलों को भाव देने की बात कर रहे हैं जो कोहरे की मार को झेल कर भी उनकी रोजी रोटी चला सके। हालांकि इस सीज़न में ज़्यादातर किसान अपने खेतों को ठेके पर देकर फसल बोने वाले किसानों के हवाले कर देते हैं, लेकिन उन्हें भी इस सीज़न की मार ऐसी बड़ी कि वह खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसमें तो नुकसान ही है, फायदा क्या है, जो साफ मौसम रहे फिर तो फायदा है, वैसे तो नुकसान ही है। इसको क्या कहते हैं, बोया था कितना वैसे साफ मौसम में निकल जाता है, इसका कितना नुकसान हो जाएगा, 20-30 हज़ार का नुकसान हमारे तरफ से, तो गरीब आदमी को और क्या चाहिए, और वैसे तो काफी नुकसान ही है इसमें, ज्यादा पड़ता है तो सब्जी तो खराब ही होती है। इस मौसम कितने दिन तक खराब रहेगा, जब तक खड़ा ही रहे खड़ा रखेंगे फिर भी इसका कोई बढ़ेगा तो है नहीं। कणक का फायदा, सरों सरों या आलू वगैरह इन्हों का नुकसान है, सब्जी नु सरसों ज्यादा है, आलू है टमाटर वगैरह नुकसान है, पालक भी खराब हो गया, धनिया भी, मूली भी खराब हो गई जी, ये सारा सामान खराब हो गया, पालक धनिया मेथी भी थी सारा मारा गया, ये तो ये कोहरे की वजह से जी। गेहूँ को फायदा है, बाकी जो घास है जिस तरह बरसीन है उसको नुकसान है, हॉर्टिकल्चर में नुकसान है, जो छोटे पेड़ होते हैं लीची वगैरह के वो सूख जाते हैं, उन्हें कवर करना पड़ता है, बनाना को नुकसान होता है केले में, उनको भी कवर करना पड़ता है। देखिए एक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन कोहरा अगर ज़्यादा पड़ेगा तो काफ़ी नुकसान होता है, बरसीन का उठाव रुक जाता है, वो बढ़ती नहीं है, बरसीन के रेट बढ़ेंगे, इससे डेयरी फार्मर्स को नुकसान होगा। हाँ जी, सब्जियों में ऐसा होता है, जिस तरह गोभी है इसके अंदर जब ज़्यादा कोहरा पड़ेगा ना तो लाल हो जाता है इसका पत्ता, और उसके बाद इसकी जो फ्रूटिंग है उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है और फ्रूटिंग लेट आती है। आलू में नुकसान है थोड़ा, ज़्यादा नहीं, गन्ने में हल्का डैमेज है, ज़्यादा नहीं, आलू में नुकसान है। 31वीं राज्य स्तरीय रोलर हॉकी स्केटिंग प्रतियोगिता का रहा तीसरा दिन, विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने लिया प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में हरियाणा रोलर स्केटिंग संघ की ओर से 31वीं हरियाणा स्टेट रोलर हॉकी व इनलाइन हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज तीसरे दिन भी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से आए बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सभी का दिल जीत लिया। इस मौके पर यमुनानगर एसडीएम भारत भूषण कौशिक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रतियोगिता सब जूनियर, जूनियर व सीनियर कैटेगरीज में आयोजित की गई, जिसमें यमुनानगर की टीम ने तीनों कैटेगरीज में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बच्चों के पेरेंट्स ने दर्शकों की भूमिका निभाते हुए प्रतिभागियों को उत्साहित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारत भूषण कौशिक ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि शहर में इतनी ठंड के बावजूद भी इन बच्चों के ये बेहतरीन खेल प्रदर्शन काबिले तारीफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेहनती बच्चे ही आगे चलकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। इस प्रतियोगिता में तीनों लेवल्स की विजेता टीम को कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जी, ये 31st हरियाणा स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन यमुनानगर में स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित हो रहा है। 4 दिन की ये गेम्स हैं और लगभग 500 खिलाड़ी इसमें डिफरेंट एज ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें इनलाइन और क्वाड्स दोनों मैचेस होंगे। इनलाइन मींस सिंगल पहिए पे जो चलते हैं, और क्वाड्स मींस जो फोर व्हील पर चलते हैं, वो बच्चे पार्टिसिपेट ले रहे हैं। और लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा के यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। 500 बच्चा यहाँ आया हुआ है। भी बिल्कुल अच्छा, बच्चों में बहुत जोश है और बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बच्चे क्या, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ आते हैं मैच देखने के लिए, और बच्चों ने इतनी ठंड में भी अपने जो है जोश को कम नहीं करा और पूरी अच्छे जोश में उन्होंने गेम को खेला है। और मुझे लगता है कि जो भी गोल्ड मेडल लेंगे वो बहुत ही अच्छे बच्चे यहाँ पे निकलेंगे। ऐसा है कि मैंने बताया कि इनलाइन और क्वाड्स अलग अलग गेम्स चल रही हैं। इनलाइन में जो है डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट टीमें प्रदर्शन कर रही है। हमारी यमुनानगर की भी अब तक 2 टीमें 3 टीमें जो सीनियर बॉयज़ है और जूनियर बॉयज़ है और सब जूनियर बॉयज़ है, तीनों ने मैच जीते हैं। लेकिन इनका आपस में सबके साथ मैच होता है, तो एंड में ही पता लगता है कि कौन सी टीम को गोल्ड मिलेगा और कौन सी को ब्रॉन्ज और सिल्वर मिलेंगे। तो इसके बाद नेशनल हो रही है और नेशनल 27 जनवरी से कुरुक्षेत्र में हो रही है, और जो भी यहाँ की टीमें जीतेंगी उसके बाद वो सब नेशनल में चली जाएंगी, और नेशनल में जाने के बाद वहाँ पर अपना गेम दिखाएंगी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। महाराष्ट्र में दलितों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर भड़के कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनाज मंडी गेट व डीसी ऑफिस के सामने इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता राजेश सैनी द्वारा की गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौजूदा सरकार विरोधी नारेबाजी की और महाराष्ट्र सरकार का पुतला भी फूंका। डॉक्टर सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दलितों के पूर्वजों ने पेशवाओं को 1 जनवरी 1818 को हराया था, जिसकी खुशी महाराष्ट्र के दलित समाज द्वारा 200 साल की वर्षगांठ पर मनाई जा रही थी। उनका कहना है कि आरएसएस व भाजपा के आदमियों द्वारा किए गए हमले से एक दलित की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।